जय श्री राधे मित्रों, बहुत स्वागत है आपका दर्शन 24 के YouTube चैनल और Facebook पेज पर। मैं हूं हरि गोपाल शर्मा। मित्रों, आज के टॉपिक में हम बात करेंगे सूर्य ग्रहण के बारे में। 20 अप्रैल गुरुवार के दिन बैसाख मास की अमावस्या है। परम पवित्र मास कहा जाता है बैसाख मास। उस दिन सूर्य ग्रहण है। यह सूर्य ग्रहण भारतीय समय के अनुसार सुबह 7:04 पर शुरू होगा और इसका पूर्ण मोक्ष 12:29 पर होगा, यानी कि ग्रहण काल की पूर्ण अवधि 5:24 रहेगी। मित्रों, ये ग्रहण मेष राशि पर घटित होगा। यदि इस ग्रहण के प्रभाव के बारे में कहा जाए तो भारत में इसका प्रभाव नहीं होगा। ये कंबोडिया, जापान, चीन, दक्षिण प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, इन इलाकों में इस ग्रहण का प्रभाव दिखाई देगा। ये जो 20 अप्रैल को सूर्य ग्रहण है, ये हाइब्रिड सूर्य ग्रहण है। सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण कई तरीके के हैं, जिनमें से ये हाइब्रिड यानी संकर सूर्य ग्रहण है, यानी कि चंद्रमा की छाया बहुत कम रहेगी। भारत में तो पूरी तरह से इसका प्रभाव नहीं है, लेकिन यह सूर्य ग्रहण की बात की जाए तो 12 पहले इसका सूतक लगता है, जो भारत में नहीं लगेगा। मित्रों, हमारे सनातन धर्म में ग्रहण के समय को परम कल्याणकारी समय बताया गया। ग्रहण के समय पर पूजा पाठ दान करने से साधकों को अभीष्ट फलों की प्राप्ति होती है। ग्रहण के समय पर यदि आप कोई मंत्र अनुष्ठान करते हैं तो सिद्धियां प्राप्त होती हैं। यदि आप इस ग्रहण काल में स्वयं से पूजा करना चाहते हैं तो यह आपके लिए परम कल्याणकारी रहेगा। ये ग्रहण, मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि भारत में इसका प्रभाव नहीं होगा। इस साल की यदि बात की जाए तो इस साल 2023 में 2 सूर्य ग्रहण होंगे और 2 चंद्र ग्रहण होंगे। 20 अप्रैल को पहला सूर्य ग्रहण है और दूसरा सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर को होगा। उसका भी भारत में प्रभाव नहीं होगा। यदि चंद्र ग्रहण की बात की जाए तो 5 मई को उपछाया चंद्र ग्रहण होगा। सनातन धर्म में उपछाया चंद्र ग्रहण को भी मान्यता दी नहीं गई है, इसलिए इस चंद्र ग्रहण का भी प्रभाव नहीं होगा। दूसरा चंद्र ग्रहण 29 अक्टूबर की रात्रि में होगा, जिसका प्रभाव भारत में होगा, जिसका सूतक 9 पहले लगेगा, तो उस चंद्र ग्रहण को मान्यता दी गई है। यानी कि 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण में से सिर्फ 1 चंद्र ग्रहण का प्रभाव इस साल भारत में रहेगा, जिसके सूतक भी लगेंगे, जिसका पूजा अनुष्ठान भी किया जाएगा। मित्रों, यदि 20 तारीख को अमावस्या बैसाख अमावस्या है, पावन और परम कल्याणकारी तिथि है। अमावस्या तिथि पितरों को प्रसन्न करने के लिए होती है, इसलिए आप बैसाख मास की अमावस्या में पितरों के लिए सर्प तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध कर्म करें। यदि आप बैसाख मास की अमावस्या में कोई अनुष्ठान करते हैं तो उसका फल आपको जरूर प्राप्त होगा। इसलिए अपने इष्ट देवों के मंत्रों का जप करें, अपने पितरों के लिए दान करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, गरीबों को भजन कराएं, गौशाला में दान दें, किसी अंध विद्यालय में दान दें, तो आपके लिए परम कल्याणकारी होगा। तो मित्रों, मैं पुनः आपको बता रहा हूं कि 20 अप्रैल अमावस्या तिथि है, बैसाख मास की परम कल्याणकारी तिथि है। इस दिन सूर्य ग्रहण की घटना होने जा रही है, लेकिन इसका भारत में कोई प्रभाव नहीं है, इसलिए आपको इससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका कोई भी सूतक भारत में नहीं लगेगा। जय श्री राधे।